अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद मसूद अहमद। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको MTU इंजन के जो पैरामीटर्स हैं उनकी लिमिट्स बताई थी इंजन साइड की, तो आज इस वीडियो में हम आपको MTU इंजन का जो अल्टरनेटर है उसके जो पैरामीटर्स हैं उनकी लिमिट्स बताएंगे। नॉर्मली MTU इंजन के साथ मोस्टली जो अल्टरनेटर इस्तेमाल हो रहा है वो है स्टॉपवर्ड कंपनी का, तो इसके हम अल्टरनेटर के आपको पैरामीटर बताएंगे, इसके ऑपरेशन के जो पैरामीटर हैं उनकी लिमिट्स क्या होनी चाहिए और कितनी वैल्यू पे जा जो पैरामीटर की लिमिट्स कितनी वैल्यू में जब पॉइंट किया तो उस पर वार्निंग आती है और फिर शट डाउन होती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताते हैं अल्टरनेटर के पैरामीटर की। तो अल्टरनेटर में कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको आपने मेंटेन रखना होता है इंजन के स्मूथ होने के लिए, नहीं तो आपका इंजन जो है वो शट डाउन हो जाएगा। सबसे पहले है ओवर स्पीड। अगर आपके इंजन जो है वो 1900 RPM से या 1900 RPM से अबव जाता है RPM, तो इंजन आपका जो है वो शट डाउन हो जाएगा। इसमें एक बात ये बताता चलूँ कि जब भी इंजन आपका हाई लोड पे या 50-60% से ऊपर चल रहा होता है और सडन किसी वजह से इंजन का जो ब्रेकर है, इंजन का जो लोड है वो कट ऑफ हो जाता है, उसका ब्रेकर कट ऑफ हो जाता है, तो इंजन डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे इसका ब्रेकर कटता है, उसका लोड कटता है, तो इंजन के जो फ्रिक्वेंसी है या RPM है वो सडन इंक्रीज़ हो जाते हैं और इंजन अक्सर ओवर स्पीड का अलार्म दे के शट डाउन हो जाता है। तो इंजन के जो RPM है वो उसकी 1900 पे जाके इसकी सेटिंग है, कुछ ने 1800-1700 अपनी सेफ्टी के लिए जहाँ पर भी सेटिंग जो है वो उसको कर सकते हैं कि इससे ऊपर अगर इंजन की फ्रिक्वेंसी और RPM जो है वो ज़्यादा जाते हैं तो इंजन जो है वो शट डाउन हो जाए। इसके बाद है इसका जो MMCLT का इनलेट जो है टेम्परेचर, वो टेम्परेचर 55 से नीचे अगर है तो इंजन आपका चलता रहेगा नॉर्मल, 55 पे जाके इसकी वार्निंग है। जैसे ही 57 सेंटीग्रेड पे जाएगा तो इंजन जो है वो शट डाउन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें इसके वाइंडिंग टेम्परेचर की, तो MTU इंजन का जो अल्टरनेटर है नॉर्मल स्टॉपवर्ड का होता है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो 120 सेंटीग्रेड पे जाके इसकी वार्निंग आएगी। इससे अगर नीचे है तो इंजन स्मूथ चलता रहेगा, जैसे ही 120 पे जाएगा तो इंजन जो है वो 120 पे वार्निंग देगा, और जैसे ही अगर इसका टेम्परेचर बढ़ता है 130 पे जाके 130 पे जाके इंजन जो है वो शट डाउन हो जाएगा। और दूसरी अगर इसकी बैरिंग टेम्परेचर की बात करें, इसमें दो बैरिंग होते हैं, एक NDE बोलते हैं जिसको नॉन ड्राई वेंट कहते हैं और एक DE ड्राई वेंट। अगर हम NDE की बात करें नॉन ड्राई वेंट की, तो इसका जो टेम्परेचर है वो 80 सेंटीग्रेड से अगर नीचे होगा तो इंजन चलता रहेगा, जैसे ही 80 सेंटीग्रेड पे इसका बैरिंग टेम्परेचर पहुंचेगा नॉन ड्राई वेंट का इंजन पे वार्निंग आएगी, और अगर 85 पे जाएगा तो इंजन जो है वो शट डाउन हो जाएगा। इसी तरह अगर इसके ड्राई वेंट बैरिंग की बात करें, तो ड्राई वेंट जो बैरिंग है अल्टरनेटर का, इसका जो वार्निंग है वो 85 सेंटीग्रेड पर है, 85 सेंटीग्रेड पर है। अगर 85 से इसका बैरिंग का टेम्परेचर ड्राई वेंट का कम रहता है तो इंजन स्मूथ चलता रहेगा, जैसे 85 पे जाएगा तो इंजन पे वार्निंग आएगी, और अगर मजीद ये टेम्परेचर बढ़ता है तो 90 पे जाएगा, 90 सेंटीग्रेड पर जाएगा तो इंजन शट डाउन हो जाएगा। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अपनी राय से ज़रूर अदा कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।